हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, आज बच्चों के टिफ़िन के लिए आज बनाते हैं कुछ खास, जिसमें मैंने लिया है लौकी। लौकी को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता और अजवाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को, नमक स्वाद अनुसार, इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और ले रहे हैं यहाँ पे आटा। जी हाँ, आटे से आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए हेल्दी टिफ़िन रेसिपी। तो देखिए, हमने यहाँ पे आटे को ऐड कर लिया है। हल्का हल्का पानी डाल के बैटर को थोड़ा थिक ही रखना है। और इस तरह से मैंने तवा गरम किया है, इस पर मैंने फैला लिया है तेल, और इस पर बैटर को डालेंगे। इस तरह से बैटर को डाल के और धीरे धीरे चम्मच की मदद से उसको फैलाएंगे। ये देखिए कितना थिक बना है। ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है तो बाद में बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होता है जो ये चीला है। आप भी ऐसे धीरे धीरे करके इसे फैला लें। और याद रखें कि तवा हमारा पहले से गर्म हो, नहीं तो तवा गरम नहीं होने से ये चिपक जाता है। ये देखिए, इस तरह से फैला लेंगे पूरे तवे पे अच्छी तरह से, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे करके पकाना है। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते ना, उनके लिए आप ये ज़रूर ही ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर सब्जियां हैं, और बच्चे खा भी लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। मैं इन्हें केचप के साथ सर्व कर देती हूँ, तो वो केचप के साथ अच्छे से खा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से जब हमारा नीचे का हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे ना, तो फिर हमें इसे ऐसे पलट देना है धीरे धीरे कलछी की मदद से। पहले साइड साइड के ऐसे निकाल लेंगे, फिर कलछी की मदद से इसे हमें पलटना है। और जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ये टूट सकता है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से इसे हर एक एंगल से निकाल लेना है, फिर हम इसे पलट देंगे आराम से। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पलटा गया है। और ऐसे ही दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पकाएंगे। इधर भी थोड़ा ऑयल लगा देते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पक गया है दोनों साइड से। तो इस तरह से हमें पका लेने हैं और बच्चों को सर्व करना है। लंच बॉक्स हो या फिर खुद के लिए, कभी कभी हमें मन होता है कुछ अलग बनाए, रोटी पराठे खा खा के तो मन उभ ही जाता है। तो हम इस तरह से सब्जी भी साथ में डाल के बना सकते हैं, और कुछ अलग भी हो जाता है इस तरह से बनाने से। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, और ये बच्चों को पसंद भी आता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, खाने में भी दिक्कत नहीं आती है। बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं इसको। ये देखिए, तो रेडी हो चुका है हमारा, बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इस
आप चाहें तो चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ इसे ज़रूर ही बनाएं और खाएं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। तो इस तरह से बनाएं, खाएं और बच्चों को भी खिलाएं।